नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। यदि आपने सपने में गोभी देखी है, देखिए दर्शकों, मैं यहाँ पे फूल गोभी की बात कर रही हूँ, मैं पत्ता गोभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूँ कि अगर आपने फूल गोभी देखी है तो भी इस वीडियो को आगे देखें, और तभी आपको इस सपने का अर्थ एवं आपने यह सपना देखा है तो इसके बाद आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये दो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना समय गवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, यदि आप सपने में गोभी देखते हैं तो गोभी दो तरीके की हो सकती है, और दोनों ही तरीके की गोभी के जो फल होते हैं ना, रिजल्ट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो अगर आप अच्छी सी खूब खिली हुई सी फूल गोभी देख रहे हैं जो बेहद ही साफ है, तो वह सपना एक बेहद ही शुभ संकेत देने वाला सपना है। आप हो सकता है कि गोभी खरीद रहे हों, गोभी को देख रहे हों, या फिर गोभी को खा भी रहे हों, तो कुल मिला के देखा जाए तो यह सपना एक बेहद ही शुभ संकेत देने वाला सपना है। यह सपना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर यह सपना देखता है तो उसके व्यापार में उसको लाभ अवश्य होगा, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशंस की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि एवं उन्नति का वास होगा। अगर आप यह सपना देखते हैं तो दोस्तों, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों में आपकी गिनती होती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपने सपने में थोड़ी गंदी सी गोभी देखी है जो कि काली पड़ गई है, या फिर वो सड़ी हुई निकल गई, वो साफ सुथरी नहीं है, उसमें बहुत ही क्लचेज हैं, मतलब कि वो बहुत गंदी है, तो यह सपना एक शुभ संकेत देने वाला सपना नहीं माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस तरह की गोभी को अपने सपने में देखते हैं, उनके लिए यह एक अशुभ संकेत देने वाला सपना है। यह सपना आपको इस ओर इशारा करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती हैं, आपकी मतलब लाइफ में ना कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपके साथ कुछ हो सकता है दर्शकों। और अगर मैं बात करूँ तो आपका यह भी एक मतलब दिखाता है कि आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन है, तो आपको ज़रूरत है कि आप ओवर थिंकिंग को कम करें, ज़्यादा सोचना कम करें, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों सपनों की उपायों के ऊपर। तो पहला सपना जिसमें आपने साफ फूल गोभी देखी है, तो वह सपना देखने के बाद आपको इस सपने को किसी से भी नहीं बताना है। और दूसरा उपाय ये करना है कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है कि इस सपने का ज़्यादा से ज़्यादा फल आपको प्राप्त हो। लेकिन वहीं दर्शकों, उल्टी तरफ हम बात करें, आपने सपने में गंदी सी गोभी देखी है, तो पहला काम ये करिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सके अपने इस सपने को शेयर करिए ही करिए। आप बताइए, आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप पर सेंड करिए इस वीडियो को, या फिर आप लिख कर बताइए, जैसे भी चाहें, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताएंगे तो इस सपने का जो प्रभाव है ना, वो नष्ट हो जाएगा, तो आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। अगर अब आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते, तो फिर आपको शिवलिंग पे जो गंगा जल होता है, गंगा जल में दूध मिलाकर आपको अर्पित करना होगा, और शिव मंदिर में जाकर ही आपको यह कार्य करना होगा। तो अगर अब आपको ये दोनों में से जो भी चीज़ सही लगे आप कर सकते हैं। अगर आपने यह सपना रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखा है, तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही सपना आप रात के 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल जो है वो आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। भोर में देखे गए सपनों का फल तो 1 हफ्ते में प्राप्त हो ही जाता है। तो अगर आपको यह हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो दर्शकों हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। प्लीज़ दर्शकों, इतना सा आभार आप हमारे ऊपर करें, अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो।